नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। और बात झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी बीजेपी का हंगामा जारी है। विपक्षी विधायकों के भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर हंगामे के बीच हुए सवाल जवाब के दौरान कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां की भी की गई टिप्पणियां, और इसी सिलसिले में बीजेपी के नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन में स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र का मामला उठाया। और सवाल का जवाब देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, नीलकंठ सिंह मुंडा बड़े ही संवेदनशील सदस्य हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो बीजेपी हैं और सीएम के इतना कहते ही सदन में एक बार फिर से हंगामा होने लगा। लेकिन मामला शांत होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर के बाद 6 महीने में राज्य के सभी वर्गों के स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और किसी को परेशानी नहीं होगी। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने और आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाने का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि बांग्लादेशियों को चिन्हित करने की जिम्मेवारी सरकार की है। वही ध्यानाकर्षण के दौरान सूचना देने के सिलसिले में बीजेपी विधायक मनोज जायसवाल की तरफ से सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेने पर सत्ता पक्ष ने भी हंगामा किया और कांग्रेसी विधायक प्रदीप यादव ने आसन से जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और इसी हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। स्कूल के स्तर पर सरकार ने यह निर्णय लिया है, देखना होता है कि 29 दिसंबर के बाद हर एक स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, सभी स्कूलों में, सिर्फ आदिवासी ही नहीं, सभी वर्गों के बच्चों का स्पेशल ड्राइव चला करके 6 महीना के अंदर सभी जाति प्रमाण पत्र बना लिए जाएंगे। उधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज 4थे दिन भी सदन में हंगामा जारी रहा और सदस्यों के हंगामे के बीच दिन के 12 बजे तक स्थगित हुई सदन की कार्यवाही फिलहाल जारी है। लेकिन जेपीएससी परीक्षा का विवाद थमता नहीं दिख रहा है और आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी बीजेपी के सदस्यों ने आज भी जमकर हंगामा किया। सीएम के जवाब से नाराज विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया और इससे पहले जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर बीजेपी विधायक नारा लगाते हुए वेल तक पहुंच गए और वेल में ही धरने पर बैठ के विपक्ष के इस विरोध को देखते हुए सदन में स्पीकर ने कहा कि जेपीएससी मुद्दे पर सदन के नेता ने सरकार का पक्ष रख दिया है, तो ऐसे में बार बार इस तरह का विरोध करना सही नहीं है। स्पीकर बीजेपी के सभी विधायकों को अपनी आसन तक जाने की अपील कर रहे थे, लेकिन बीजेपी विधायक सदन में जेपीएससी परीक्षा रद्द करो का नारा लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। वहीं 12 बजे के बाद एक बार फिर जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही एक बार फिर से जेपीएससी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। सदन के स्पीकर ने आसन से कई बार हंगामा करे, बीजेपी सदस्यों को अपनी सीट पर बैठ जाने का आग्रह किया, लेकिन बीजेपी सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और सदन में हंगामा जारी रहा। उधर विधायकों की टोका टोकी के बीच सदन की कार्यवाही जारी रही और हाथों में प्ले कार्ड लेकर हंगामा करे बीजेपी सदस्य स्पीकर की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वही आज मॉब लिंचिंग पर सरकार की तरफ से दी झारखंड प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग, बताते चले कि बिल 2021 समेत कई विधेयक सदन में रखा जाएगा। इनके सरकार ने दी झारखंड प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 के प्रति विधेयकों को दी है, जिससे बिल में संशोधन को लेकर सदन में चर्चा की जा सके। विधानसभा में जेपीएससी मुद्दे पर विपक्षी विधायकों का हंगामा जारी है। हंगामा पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जेपीएससी पर
साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो दे, लेकिन बीजेपी के लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। वहीं मॉब लिंचिंग के कानून पर कहा कि सरकार की तरफ से यह सकारात्मक पहल है और इस पर अवश्य ही कानून बनाने की जरूरत है। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है और इसमें उम्र कैद की नहीं बल्कि मौत के बदले फांसी की सजा होनी चाहिए। आने वाले हैं और विधेयक के ऊपर बहस भी है, हम लोगों ने भी संशोधन के प्रस्ताव डाले हैं और जिस तरह से एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, ये बात सही है कि भाई कहीं किसी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना होता है, किसी प्रकार की लिंचिंग होती है तो फिर उस पर जो है आप उसको न्याय मिलना चाहिए जो उसके विक्टिम्स होते हैं। लेकिन सिर्फ इसके आड़ लेकर के कोई राजनीतिक द्वेष निकालना, किसी को जानबूझ करके टारगेटेड करके, किसी वर्ग को टारगेटेड करके उसको फंसाने के लिए या फिर उसको प्रताड़ित करने के लिए कोई कानून लेकर के आना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। विधानसभा के श्वेतकालीन सत्र के चौथे दिन कई विधेयक पास हो सकते हो जिसमें मॉब लिंचिंग अहम है। विपक्षी पार्टी भाजपा और राजस्व विधायकों का कहना है कि कोई भी कानून दुर्भावना से ग्रसित होकर नहीं आना चाहिए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और चौथा दिन खास इसलिए क्योंकि कई सारे विधेयक आने वाले हैं जिसमें खास यह है कि मॉब लिंचिंग पर कानून जो है बन सकते हैं। तो मॉब लिंचिंग को लेकर के भाजपा के जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी यहां पर भाजपा है और भाजपा के विधायक मॉब लिंचिंग के कानून पर क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर कुछ गलतियां होती है तो उस पर कानून बने तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ दुर्भावना से ग्रसित होकर के कोई भी कार्य होता है जो अच्छा नहीं होता है। अभी कल हम लोग पढ़ रहे थे कि मॉब लिंचिंग पे सरकार विधेयक लाई है, ठीक है, लाना भी चाहिए, लेकिन उसके अंदर को आप पढ़ेंगे तो इस ढंग से है कि हमको लगता है कि हर एक लोग का हाथ बंध गया है। जैसे अभी आपने देखा कि जब जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए रिजल्ट में जो गड़बड़ियां थी तो हमारे कुछ स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं वे लोग अपना धरना दे रहे थे तो उनको उठा करके सरकार दूसरे जगह ले गई। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे भी अगर इस तरह की कार्रवाई होने लगती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के कोई भी कार्य को नहीं करना चाहिए। आप कोई कानून लाए, अच्छे के लिए कानून लाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि प्रवर समिति में भेज करके एक बार उसका अध्ययन कर ले, विस्तार पूर्वक देख ले, उसके बाद विधेयक लाए, हम लोग सब साथ देंगे। तो ये भाजपा के विधायक से हमने सुना और अभी आजसू के विधायक हमारे साथ हैं, उनसे भी लंबोदर महतो जी से भी जानते हैं। लंबोदर जी, मॉब लिंचिंग पर इनकी क्या राय है? जो विधेयक लाए गए हैं अब इस पर जो कानून बनेगा, क्योंकि बंगाल में इससे पहले इस पर कानून बन चुके हैं और बिहार में भी इस पर विचार किया जा रहा है, अभी झारखंड में मॉब लिंचिंग पर कानून बनेंगे, इस पर क्या आपकी राय? देखिए, आज सरकार ने मॉब लिंचिंग पर विधेयक लाया है, निश्चित रूप से उसको और कई ऐसे प्रावधान उसमें है जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, चूँकि इसे कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए निश्चित रूप से इस पर सरकार को फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कुछ प्रावधानों को, और कुछ प्रावधान अच्छे हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन जो प्रावधान युक्तिसंगत नहीं है उसको फिर से सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और हम लोगों ने इसमें संशोधन प्रस्ताव भी डाला, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो कानून बनने से पहले संशोधन प्रस्ताव भी डाल दिया गया है, अब क्या कुछ संशोधन इसमें हो सकता है आज देखना यह है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज सिन्हा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और आज की अगर बात करें तो अब तक क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिली, आज किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिला? देखिए करिश्मा, आज भी माहौल कुछ वैसा ही था जो बीते तीन दिनों में देखने को मिला। सदन के बाहर की बात करें या सदन के अंदर की बात करें, हंगामा होता रहा, हंगामे के बीच में ही विधायी कार्य जो भी थे वो निपटाए गए। आज मैं बता दूं आपको कि आज चौथा दिन है, कल इस शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन होगा और आज चौथे दिन भी हंगामा जो है जम करके होता रहा। जैसे ही सदन शुरू होना था उसके पहले जब भाजपा के विधायक जब यहाँ पहुँचे थे तो बाहर में प्रदर्शन करना शुरू किया, हाथों में तख्तियाँ ले ली। जेपीएससी का मामला हो चाहे जो क्षेत्रीय भाषाओं को जो हटाया गया है कुछ भाषाओं को, उसको लेकर के यहाँ प्रदर्शन हुआ। जो मुख्यमंत्री ने कल सदन में जो
बयान दिया था, मनुवादी कहा था, उस पर भी यहाँ पे भाजपा के जो बैठते रहे सदन के अंदर भी, जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा शुरू हुआ और एक बार सदन स्थगित हुआ, फिर उसके बाद जब दोबारा शुरू हुआ फिर हंगामे की भेंट चढ़ा। इसी बीच में सदन की कार्रवाई के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला आया। मनीष जायसवाल ने हजारीबाग में जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जो घोटाले हुए उसकी जांच को लेकर के मामला उठाया और इन सारे चीज़ों के बीच हंगामा होता रहा और सदन 2 बजे के लिए स्थगित हो गया। अभी हमारे साथ में मनीष जायसवाल और जेपी पटेल दोनों विधायक यहां पे हैं, हम इनसे जानते हैं आज काफ़ी हंगामेदार रहा और आपको लेकर के विपक्षी सदस्य वेल में आ गए, हंगामा करने लगे, क्या हुआ पूरा माजरा क्या था? देखिए, जिसको आप हंगामा कह रहे हैं वो हम लोग अपनी बात को रखने का वो एक तरीका है। अगर कोई सुनवाई नहीं हो, जैसे आप देख रहे होंगे कि हम लोग बाहर भी और भीतर भी लगातार जेपीएससी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, तुष्टिकरण का मामला हो, इन सभी चीज़ों को लगातार उठाते रहे, लेकिन हाउस ऑर्डर में नहीं होने के बावजूद भी हाउस को चलाया जाता रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। नियम, सबसे पहला नियम ये कहता है कि अगर हाउस ऑर्डर में नहीं हो तो सबसे पहले हाउस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हाउस को ऑर्डर में करना जरूरी रहता है। आज जब इतने सारे मुद्दे हों और अगर सुनवाई नहीं की जाए तो मेरे पास क्या विकल्प बचता था? आज हमने जेपीएससी का मामला उठाया, हमारे जो विपक्ष के साथी थे वो वेल में बैठे हुए हैं, उनका डिमांड है कि भाई आप इस पर कम से कम जांच तो कराइए, आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो, और जेपीएससी ने अपने स्वयं स्वीकारा है कि उन्होंने गलती की है, तो आप जाँच करा लेते, उसमें आपको तो कोई गुरेज तो था नहीं। लेकिन आप हट धर्मिता पर, चूंकि आपको बहुमत है तो आपको लगता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो ऐसे परिवेश में मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता था सिवाय इस बात का कि जो ये जो ध्यानाकर्षण की जो प्रोसीडिंग थी वो मैं उनके उसको मैं उसका बहिष्कार में करूं, जो मैंने किया। नहीं, अब जो विपक्षी सदस्य हैं उसको बता रहे हैं कि ये सदन का अपमान का मामला है और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और इसी को लेकर के जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो भी वेल में आ गए, वो भी हंगामा करने लगे और अंततः सदन को स्थगित करना पड़ा। सबसे पहला जो प्रश्न है कि सत्ता पक्ष वेल में आए, ये अपने आप के लिए हास्पद है। अध्यक्ष भी उन्हीं के हैं और पूरा सिस्टम भी उन्हीं का है, तो उनको वेल में आकर के विरोध करना पड़े ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैंने जो किया है, मैंने एक प्रोटेस्ट किया है, जनता के हित में किया है। जो 4.5 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा दी है, झारखंड का पूरा बजट, जो यहाँ के गरीबों का अरमान जिस पर टिका हुआ होता है, उस बजट के लूट से रोकने के लिए ये जो तुष्टिकरण, इस्लामिक तुष्टिकरण की जो राजनीति यहाँ इस राज्य में चल रही है, उसके विरोध में मैंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। अब जिसको जो कार्रवाई करना है वो करे। आप ही के पार्टी के नीलकंठ सिंह मुंडा ने आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के मामला उठाया और बांग्लादेशी घुसपैठी का भी मामला आया, मुख्यमंत्री ने भी उस पर जवाब दिया है, फिर भी जो हंगामा है और बढ़ता चला गया। देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये दिखाना बताना चाहूँगा कि झारखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया है जिसके तहत अल्पसंख्यक बिरादरी के जो बच्चे हैं उनको स्व घोषणा के हिसाब से जो है जाति प्रमाण पत्र मिलना है। मतलब मैं अगर बांग्लादेश से आऊं और कह दूं कि नहीं जी मैं झारखंड का रहने वाला हूं, अपने से लिख के दे दूं सिग्नेचर करके, तो मेरा जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। और अगर जो यहाँ पर एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी या सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको पूरी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक न्याय उचित है? ये जो न्याय है, इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया है और जो मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से दिया कि हम लोग सहूलियत बढ़ाना चाहते हैं। तो भैया आप कह दें कि स्वघोषणा के हिसाब से सभी वर्गों को मिलेगा, हम लोग को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश घुसपैठ का प्रॉब्लम इस राज्य में बढ़ता चला जा रहा है। आज दूसरे जगह का तो बात छोड़िए, रांची के कई एक इलाके हैं जहाँ की ये बहुसंख्यक हो गए हैं बांग्लादेशी, तो ऐसे में जरूरी है इनको टाइट करना, इन पर लगाम लगाना। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि इनको स्व घोषणा के अनुसार से इसको दिया जाए। करिश्मा, मैं बता रहा था आपको कि जिस तरीके से आप, अगर आज हम सदन की बात करेंगे तो सदन में आज जबरदस्त हंगामा हुआ, जेपीएससी का मुद्दा भी लगातार छाए रहा, लगातार हंगामा देखने को मिला। चलिए मनोज जी, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।